थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर जी हम लोग यूज़ करते हैं इन द डेटाबेस सिस्टम्स। और ये जो सिस्टम, ये जो आर्किटेक्चर है हमारे, ये आया वजूद में इस तरह के, हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि आपका जो डेटाबेस सिस्टम है इट शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ फ्रॉम द प्रोग्राम्स, ताकि अगर हम डेटाबेस में कोई चेंजेस करें तो फॉर चेंजेस दैट हैपन इन द डेटाबेस हमारे प्रोग्राम के ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट हो। तो ऐसा ना हो कि फॉर एवरी लिटिल टाइनी चेंज दैट अकर्स इन द एट द डेटाबेस लेवल वी हैव टू री राइट ऑल द प्रोग्राम, क्योंकि एक ही डेटाबेस के ऊपर अपर लेवल पे मल्टीपल एप्लीकेशंस भी रन हो सकती हैं। सो ये दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज असेंशियली द सेम थिंग जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी ये डिस्कस करते हैं, कि जो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी जो कपलिंग है वो मिनिमम हो, कि ताकि उनकी एक दूसरे पे डिपेंडेंस मिनिमम हो। इस चीज़ को हम अगर डेटाबेस की टर्म्स में बात करना चाहें तो वी वुड रेफर टू दिस थिंग एज प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, कि प्रोग्राम का और डेटा का जो आपस में रिलेशन है वो फॉर द मोस्ट पार्ट इंडिपेंडेंट रिलेशन होना चाहिए, एंड सिर्फ मिनिमम नेसेसरी डिपेंडेंस होनी चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज प्रेफरेबल। इसका फिर एक फायदा ये आ जाता है आपके पास कि आपको मल्टीपल व्यूज मिल जाते हैं फॉर द सेम डेटाबेस। आपके पास डिफरेंट जो यूजर्स होंगे उनको आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन सर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एलएमएस की बात करें तो एलएमएस के अंदर एक स्टूडेंट जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर है, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम दैट स्पेसिफिक इंटरफेस। और अगर आप बात करेंगे उसके अल्टरनेटिव टीचर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो टीचर्स हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर यूजिंग दैट इंटरफेस। तो ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर जो है, ये आप इसके अंदर मैपिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की, कि जो डिफरेंट आपके पास थ्री स्कीमा, एज द नेम सजेस्ट, के देर आर थ्री लेवल्स, ठीक है। तो फॉर द थ्री लेवल्स, फॉर ईच अपर लेवल एंड इट्स कंजेक्टिव लोअर लेवल, आपके पास एक मैपिंग क्रिएट की जाती है कि जो लोअर लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपर लेवल पे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। सिमिलरली अगर अपर लेवल से कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो उस इंस्ट्रक्शन को लोअर लेवल के अकॉर्डिंगली कैसे ट्रांसलेट करना है। जनरली हम यूँ कहेंगे इसको एक जो कि आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं, जो यूजर्स ने यूज़ करनी है, एंड यूजर ने, उसके लिए उस टर्म हम यूज़ करते हैं जी एक्सटर्नल स्कीमा है। फिर डीबीएमएस जो होता है वो आपके पास एक इंटरमीडिएट लेवल पे काम कर रहा है, कि जहाँ से नीचे वो लोअर लेवल पे फिजिकल डेटा को एक्चुअल में मैनेज करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। और जब डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है डीबीएमएस से, यानी डीबीएमएस जब कहता है इस डेटाबेस में से कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेके आता है, तो फिर वो उसको अकॉर्डिंगली यूजर व्यू या जो प्रो एक्सटर्नल स्कीमा वाली एप्लीकेशन है वो उसमें से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके यूजर को अकॉर्डिंग टू द देयर ओन स्ट्रक्चर डिस्प्ले करती हैं। सो द थ्री लेवल्स आर असेंशियली इंटरनल स्कीमा के अंदर, जो इसका एक मेन लेवल है वो इंटरनल स्कीमा को रिस्पॉन्ड करता है, कि जो डेटा मॉडल में हम चीज़ पढ़ी थी कि फिजिकल डेटा मॉडल, जिस जो होता है कॉन्सेप्ट के एक्चुअल में डेटा को लोअर लेवल पे स्टोर कैसे किया जा रहा है, डेटा को मैनेज किस तरह किया जा रहा है एट द हार्डवेयर लेवल। तो वो सारी जो आपके पास उससे रिलेटेड डिटेल है वो इंटरनल स्कीमा की कैटेगरी में फॉल करती है। एंड द रोल दैट इज एसोसिएटेड विद इंटरनल स्कीमा इज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा है जो इंटरनल स्कीमा के हवाले से, जो उसने स्टोरेज की स्कीम्स डिफाइन करनी है कि डेटाबेस में एक्चुअली डेटा को कैसे स्टोर करना है इन द मोस्ट ऑप्टिमल वे। ये ऑप्टिमल वे जो होता है, इसकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, कि इट कुड बी कि उसको हम चाह रहे हैं कि लेट्स से एफिशिएंट स्टोरेज मिनिमम यूज हो, या उसका रिट्रीवल टाइम कुछ खास हो, या फॉर सम स्पेसिफिक क्वेरीज वी वांट के इन स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए आपका रिट्रीवल टाइम बढ़ जाए, और रिट्रीवल टाइम कम हो जाए और जो उसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा एट दस कॉन्सेप्चुअल लेवल ये है जी कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह लॉजिकली मॉडल कर रहे हैं और उसको लॉजिकली कैसे देख सकते हैं, ताकि विच इज क्लोज टू वॉट वी वुड हैव एज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ टेक्निकल यूजर्स, ठीक है। तो उसको जब हम प्रॉब्लम को मॉडल करके टेक्निकल यूजर के परस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं तो उसको हम कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं। ये आपके पास कंसेप्चुअल या इंप्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल के लेवल की इंफॉर्मेशन आती है, कि जहाँ पे आप इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, जिसमें रिलेशनल मॉडल हमने डिस्कस किया था, और इसमें जो बेसिक रोल्स आपके
रिलेटेड रोल्स जो आपके साथ कंसर्न होते हैं इस लेवल पे, वो होते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर के, जो कि प्रॉब्लम को समझ के डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहा होता है, या एज द चेंजेस अकर इन द रिक्वायरमेंट तो वो डेटाबेस के डिज़ाइन के अंदर मॉडिफिकेशन करता है. एंड देन देर इज़ द रोल ऑफ एप्लीकेशन डेवलपर, जिसने फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनानी है, सो ही नीड्स टू नो वॉट इज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इन ऑर्डर टू एक्चुअली फेच द रेलिवेंट इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स फ्रॉम दैट कंसेप्चुअल स्कीमा. फिर आपके पास एक्सटर्नल स्कीमाज आ जाते हैं जी, कि एक्सटर्नल स्कीमा वो एंड लेवल एप्लीकेशन हैं जो यूजर्स ने यूज़ करनी है, और ये डेटा मॉडल और कंसेप्चुअल लेवल की इंफॉर्मेशन को यूज़ करती हैं, और द यूजर्स आर जनरली वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एप्लीकेशन. इट कुड बी समवन जो जिसके पास फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का नॉलेज है, इट कुड बी समवन जो कि किसी स्पेसिफिक लेट्स से साइंसेस के सब्जेक्ट्स की कोई चीज़ यूज़ कर रहा है, तो ही मे बी अ केमिस्ट और फिजिसिस्ट, और लेट्स से दे कुड ऑल्सो बी सम सॉर्ट ऑफ अदर काइंड ऑफ अ यूज़र, जो कि बिल नॉन टेक्निकल यूज़र हो सकता है, जो डेटा एंट्री कर रहा है, जो किसी लेट्स से रिटेल आउटलेट के ऊपर सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है. सो दैट द रेंज ऑफ यूजर्स वेरीज, क्योंकि ये आपके पास एंड यूज़र है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एप्लीकेशन यूजर्स डिफरेंट होंगे. दिस इज हाउ वी कैन विजुअलाइज द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर. थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में आपके पास एंड यूज़र है, एंड यूज़र यूज़ कर रहा है यूजिंग द एक्सटर्नल व्यू. एक्सटर्नल व्यू से जब वो कोई इंफॉर्मेशन किसी इंटरफेस के थ्रू रिक्वायर करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो आपके पास मैपिंग जो क्रिएट की गई थी एक्सटर्नल लेवल से कंसेप्चुअल लेवल की, उन मैपिंग्स को यूटिलाइज करते हुए कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंदर इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई की जाती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है. अच्छा, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल की जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा में इंफॉर्मेशन जब आइडेंटिफाई होती है, तो वो आप अपने से लोअर लेवल के जो स्कीमा की मैपिंग है उसको यूटिलाइज करते हुए DBMS से रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन करता है, और DBMS फिर इंटरनल स्कीमा के अंदर से इन्फॉर्मेशन फेच करके वो रिटर्न करता है, और उसकी बेस पे आपके पास एक कंप्लीट जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेक प्लेस होता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को वापस रेंडर किया जाता है टू द एंड यूज़र. सो एसेंशियली डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो होती है, उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके पास लॉजिकल लेवल पे डेटा की इंडिपेंडेंस अचीव होती है, कि आप अगर लॉजिकल जो हमारा स्कीमा था, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा था, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर भी दें, तो उसमें कोई कॉलम चेंज कर दें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अंडरलाइंग डेटा सारा का सारा चेंज हो जाएगा, या आपको प्रोग्राम को दोबारा लिखना पड़ेगा. सो लेट्स से आपने एक न्यू कॉलम ऐड कर दिया, आपके पास एक LMS में स्टूडेंट का ही एक स्कीमा था, उसमें स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने एक न्यू कॉलम ऐड करने किया, डिसाइड ये हुआ कि जी आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं. तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, सो आपने एक न्यू कॉलम ऐड किया स्ट्रक्चर के अंदर, जो लॉजिकल आपका स्ट्रक्चर था, इट डजेंट मीन कि जो इससे पहले वाला आपका सारा डेटा स्टोर था वो किसी तरह अफेक्ट हो जाएगा. एंड सिमिलरली इट डजेंट मीन कि आपने जो अपर लेवल पे एक्सटर्नल स्कीमा के लेवल पे कोई एप्लीकेशन जो डेवलप की थी, फॉर एग्जांपल LMS या CMS, वो कम्प्लीटली इनवैलिड हो जाएगी और वो अब बिल्कुल चलना बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा. सो आपने ये एक नई न्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर दी, और नाउ ऑल यू नीड टू डू इज के आप प्रोग्राम में कंसर्नड पोर्शंस के अंदर चेंजेस कर दें इफ यू वांट सो, एंड इफ यू डोंट वांट स्टिल दैट्स फाइन. द ओनली थिंग वुड हैपन इज के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास LMS पे शो नहीं होगी, बट इट विल स्टिल बी देयर इन द डेटाबेस इटसेल्फ. तो आपके पास कुछ इस तरह की ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि आपके पास इंडिपेंडेंस आ गई है आपके पास, ठीक है जी. फिर इसी तरह फिजिकल डेटा की इंडिपेंडेंस आ गई है के चेंज द इंटरनल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा. अब आप इंटरनल स्कीमा को चेंज कर सकते हैं. आप ये कर सकते हैं कि आप लेट्स से किसी एक चीज़ के अकॉर्डिंगली स्टोरेज आपने अरेंज की हुई थी, एंड नाउ यू कम टू नो द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रियलाइजेज के दे नीड टू चेंज हाउ द इंफॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड एंड स्टोर्ड इन द रियल स्टोरेज डिवाइसेज. तो दे कैन मेक द चेंज हैपन इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, बट इट डजेंट मीन कि वो जो लॉजिकल स्ट्रक्चर आपने बनाया था, जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आपने बनाया था, वो इनवैलिड हो जाएगा. सो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विल रिमेन द सेम, क्वेरीज विल रिमेन द सेम, और आप जिस स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट को चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ हमारे पास एक
बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बन रहा है हमारे पास, कि हम जिस कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहें, चाहे वो डिजाइन का कंपोनेंट है कि हमारे डेटाबेस का डिजाइन, वी नीड टू चेंज द डिजाइन इटसेल्फ, और मे बी वी नीड टू चेंज द इंटरनल स्कीमा के फिजिकली डेटा स्टोर कैसे हो रहा है इन ऑर्डर टू स्पीड अप इट्स प्रोसेसिंग. तो हम कुछ भी करना चाहें, वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि हम एक चीज को छेड़ दें, एक चीज को चेंज कर लें और दूसरी चीज को चेंज करने की जरूरत हमें ना पड़े. इफ वी समराइज, अगर स्कीमा लोअर लेवल पे चेंज होगा तो वी कैन चूज टू चेंज द मैपिंग्स, और वो चेंज अपर लेवल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ कॉलम, एक एट्रीब्यूट है, और एक टेबल के अंदर एट्रीब्यूट आपने न्यू ऐड किया, तो ऑल यू नीड टू डू इज के न्यू एट्रीब्यूट को मैप कर दें अपर लेवल पे, और मैपिंग क्रिएट करने से आप उस इंफॉर्मेशन को मैप कर सकेंगे, उसको व्यू कर सकेंगे एट अपर लेवल. अगर आपने किसी एट्रीब्यूट का, लेट से एक रिलेशन था स्टूडेंट का ही, उसके अंदर एज के नाम से आपके पास एट्रीब्यूट था, आपने उसको नाम चेंज करके स्टूडेंट एज कर दिया, सो ऑल यू नीड टू नो इज, क्योंकि आपने लॉजिकल लेवल पे चेंज किया है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, तो उससे अपर लेवल पे जो एक्सटर्नल स्कीमा पे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं वहां पे आपने मैपिंग चेंज करनी है, और उस मैपिंग के अंदर आपने उसको बताना है कि जी जिस एट्रीब्यूट को हम पहले एज के नाम से रेफर कर रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू रेफर इट बाय द नेम ऑफ स्टूडेंट एज, एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू मैपिंग आपके पास वो न्यू इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, एंड यू डोंट नीड टू रीराइट द होल प्रोग्राम इटसेल्फ. जी आपके पास हायर लेवल स्कीमास देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज्ड, द एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड नॉट बी चेंज सिंस दे रेफर टू द एक्सटर्नल स्कीमास. कि आपके पास जो इट इटसेल्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम है, अनलेस यू एक्चुअली वॉन्ट टू चेंज समथिंग एंड मेक एड समथिंग न्यू, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव टू रीराइट द होल प्रोग्राम, और आप बगैर किसी चीज़ को चेंज किए भी अपनी एप्लीकेशन को एज इट इज रन कर सकते हैं. जस्ट लाइक दिस केस, कि हमने सिर्फ मैपिंग चेंज कर दी, वंस द मैपिंग वॉज चेंज, तो आपको अपर लेवल पे प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, स्टूडेंट की एज उसी तरह से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई, तो ये आपको एक इंडिपेंडेंस अचीव हो गई आपके पास.